अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ द HBL PSL 7 और ज्यादा इसमें कोई जरा ना हैरान होने की बात नहीं है कि मुल्तान सुल्तान फाइनल में पहुंच गया। अब सवेरा वो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे तो फिर कौन पहुंचेगा? कराची पहुंचती है। ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो मुल्तान सुल्तान जिसका बेहतरीन इस दफा PSL गुजरा है, मतलब इतना बेहतरीन कि आज तक किसी टीम ने जो है वो 9 out of 10 मैचेस नहीं जीते PSL में, और रिकॉर्ड कायम करके मुल्तान सुल्तान अब हमारी पहली फाइनलिस्ट टीम हो गई है जो कि हमारे सामने, विच मीन्स के लाहौर कलंदर्स को एक दफा फिर आमने सामने होना पड़ेगा उस टीम से जो आज का मैच जीतेगी, यानी एलिमिनेटर वन जीतेगी, जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के दरमियान। एंड थिंग्स आर चेंजिंग प्रीटी फास्ट, रूल्स में चेंज किए जा रहे हैं और अमेंडमेंट्स की जा रही हैं आइसोलेशन के रूल्स के हवाले से, और उसमें जो है वो ज़ाहरा एलेक्स हेल्स की कल हमने बात कर दी थी, आज कुछ और खिलाड़ियों का भी इसमें जिक्र होगा, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट है सवेरा के हम अपने गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन कराते चलें। वंडरफुल पैनल वी हैव गॉट टुडे। बिल्कुल वंडरफुल पैनल हियर। और जब हम मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो कल आप देख रहे होंगे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में जिस तरह टीम वर्क दिख रहा था, एक तरफ एंडी फ्लावर्स थे तो एक तरफ मुश्ताक अहमद थे तो एक तरफ रिजवान थे, और कितना इम्पैक्टफुल था बाकी सबको जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वापस शुरू हुआ मैच। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही स्ट्रॉन्ग, वही जबरदस्त पर्सनालिटी, दी स्पिन बोलिंग कोच ऑफ मुल्तान सुल्तान मुश्ताक अहमद साहब। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद गेम सेट मैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। और हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, रेगुलरिटी में हमारे साथ होते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। उस्मान वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच सवेरा, अदील अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। उस्मान की आज हमें मुस्कुराती हुई शक्ल भी नजर आ रही है, कल तो हम सिर्फ उनकी आवाज ही सुन सकते थे। सो बहरहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक को ये जरा सीक्रेट बता दें कि ये कल जो है ना ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कल ये हुआ क्या? बिकॉज लग रहा था कि ये मैच तो बस मुल्तान सुल्तान के हाथ से निकल रहा है, मुझे तो लग रहा है मुशी भाई ने कोई खास जो है ना कोई दम किया है स्पेशल कुछ, कल क्या हुआ ये बताएं जरा कल। नहीं अच्छा, रिजवान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था। रिजवान ने फौरन ही जैसे वो एक ओवर में 3 छक्के पड़े फिर रिजवान ने टाइम आउट ले लिया और फिर हम सबको बुला लिया, क्योंकि ये ब्रेक और मोमेंटम तोड़ना टेक्निकली बड़ी अच्छी एक मूव थी रिजवान की तरफ से। आई थिंक वो जब हम अंदर गए तो ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा जो एज ए कोच होने के नाते एक बिलीव होता है जो प्लेयरों के अंदर आपको इंडल्ज करना पड़ता है कि आप एक विकेट दूर हो मैच से, आप एक ओवर गंदा चला गया, सो व्हाट, दे स्टिल नीड 70 odd runs इन मतलब 46-43 बॉल के ऊपर। तो आपने जब रिमाइंडर देना होता है और इंडिविजुअल प्लेयर्स के साथ जाके आपने उनको बैक करना होता है, तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो सारा क्रेडिट तो प्लेयर्स को ही जाता है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उसके बाद जाके, और उसमें शाहनवाज धानी का स्पेल बड़ा आउटस्टैंडिंग था, बट ओवरऑल देखा जाए तो प्लेयरों को ही इसका क्रेडिट जाता है, रिजवान को जाता है कि जिन्होंने सही टाइम के ऊपर टाइम आउट ले लिया ताकि हम जाके उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बिल्कुल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान ऐसा लगता है ये टीम एक ऑटो पायलट मोड में आ गई है, एंडी बीच में से गए भी वापस भी आए, पूरा अपना वो काम करके जो भी जिसके लिए वो गए थे वापस भी आए, बट बीच में हमें हिकअप्स नहीं दिखे उनकी एब्सेंस में। ठीक है लाहौर के साथ एक मैच ज़रूर ऐसा हुआ था जिसमें लाहौर जीती थी, एक वाहिद इकलौता मैच जो कि मुल्तान सुल्तान ने हारा, इवन देन ऐसा लगता है ये टीम ऑटो पायलट पर। क्या खास, क्या डिफरेंट, पिछली दफ़ा की डिफेंडिंग चैम्पियन इस दफ़ा भी उसी कंसिस्टेंसी में किस तरह? जी सवेरा, आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस टीम के कप्तान तगड़े होते हैं, जिस टीम का लीडर अच्छा होता है, जो ग्राउंड में अपने लड़कों से परफॉर्मेंस लेने का जिनको तरीका आता है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कप्तान के अंदर 3 चीज़ें बड़ी क्वालिटी होनी जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दोज थिंग। वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ऑनेस्ट होना चाहिए, एक खुद अपनी परफॉर्मेंस लीड कर रहा हो, और तीसरा डिसीजन मेकर हो। ये 3 चीज़ें जब होती है ना तो फिर आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी इज्जत करती है, और सबसे बड़ी बात यह है सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान जो है वो लोगों के ऊपर से प्रेशर ऑफ करता है, क्योंकि ये कप्तान का ग्राउंड के अंदर होना बहुत ऐसी माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और बाकी जहां तक सक्सेस की बात रही, जुड़ के खेल रहे हैं लड़के, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, PSL अपनी मुल्तान सुल्तान की जितनी भी मैनेजमेंट है स्पेशली आलमगीर तरीन साहब और ये जो आपके हमारे मैनेजर हैं CEO हैं हैदर, ये इनका बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जितने भी कोचेज आए हैं किसी की ईगो नहीं है। आई थिंक मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबकी केमिस्ट्री मिलती है, सब वी आर वेरी लकी टू हैव अ गुड पीपल इन द ड्रेसिंग रूम।
क्योंकि अच्छे लोगों का ड्रेसिंग रूम में होना बहुत जरूरी है. यस पीपल हैव डिफरेंट नेचर्स बट यू नो द एंड ऑफ द डे पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक डिसीजन के ऊपर लग जाते हो फिर सारे उसको ऑन करते हो तो आई थिंक अल्लाह की मदद आती है फिर ऐसे डिसीजन के ऊपर. और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लड़कों का जो एग्जीक्यूट करना है प्लान के मुताबिक जो मीटिंग्स होती हैं जो कोचेज उनको मीटिंग्स में प्लान्स देते हैं तो 80-90% वो जाके वही एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देरी से खेलते हैं. और वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए लीडर का होना बहुत जरूरी है सवेरा एज यू नो. तो इसमें क्या करना पड़ता है फिर रिजवान इसमें बड़ा अहम रोल अदा करते हैं. तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द गाइज पूरी टीम को जाता है पूरी मैनेजमेंट को जाता है. शाहनवाज दहानी मुशी भाई काफ़ी इन पे डिस्कशन चल रहा था बल्कि कहेंगे कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था. एनिमेटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं फील्ड में विकटें भी नहीं ले पा रहे हैं इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा उनकी है जितने के 10 रन के करीब पर ओवर वो देते आ रहे हैं. कल कुछ खास प्लानिंग के साथ कल कुछ मुख्तलिफ नज़र आए ज़रा एनिमेशन भी कम थोड़ी सी उनमें नज़र आ रही थी और बहुत थोड़ा संजीदा नज़र आया वो तो क्या कुछ टेपटॉक हुई उनके साथ कुछ समझाया गया बिकॉज ही लुक लाइक अ वेरी डिफरेंट बॉलर यस्टरडे एंड ही वॉज द He was the match winner yesterday for Multan. धानी का टेम्परामेंट बहुत तगड़ा है. वो आई नो इस साल बेचारा का थोड़ा सा उसको कोरोना की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई फिर फिटनेस का उसका इशू था उसका नाक का ऑपरेशन हो गया और फिर जब वो वापस आया तो ही वॉज अंडर कुक मतलब उसकी थोड़ी सी कहने का मतलब उसके बॉलिंग इतनी ज्यादा नहीं की हुई थी उसने तो आई थिंक फास्ट बॉलर का बॉलिंग भी इतनी नहीं की हुई थी थोड़ा सा इंजरी से भी वापस आ रहा था तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा. मगर क्योंकि मेंटली वो बहुत टफ है उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है बड़ी ओकेजंस के ऊपर आप देखें ना जो उसने कल कैच पकड़ा है समित पटेल का दैट वाज अ वेरी वेरी फाइन कैच. आई मीन वो एक बॉल एकदम डिप कर गया था उसकी एंटीसिपेशन इतनी तगड़ी नहीं थी उस बॉल के ऊपर क्योंकि वहां ग्लूमी होता है स्टेडियम के अंदर फोग की वजह से कई दफा बहुत ज्यादा आप फील्डर देखें कैच बड़े ड्रॉप हो रहे हैं उसकी वजह यह कि एक तो पिक बंदा लेट करता है और फिर एक बार बॉल में थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा होता है तो हैवी होता है बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैवी हो जाता है तो जिसकी वजह से वो बॉल ज्यादा एकदम नीचे आ जाता है तो लोग उसको अपना बैलेंस नहीं बना सकते. मगर उसने जो कैच किया फिर उसके बाद जब उसको ओवर दिया टाइम आउट लेने के बाद जब उसने बॉलिंग की है तो बॉल थोड़ा रिवर्स हो रहा था तो आई थिंक उसने रिवर्स बॉल को अपनी लाइन लेंथ के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया और उसको पता चल गया क्योंकि आई थिंक उसको भी इंपॉर्टेंस का पता चल गया कि सेलिब्रेशन कब करनी है कब नहीं करनी. जब आपने देखा तीसरा मैच तीसरी विकेट उसने ली और तकरीबन मैच हमारे हाथ में आ गया था अल्लाह के फजल से then he went to all the way to the crowd aur dug ke paas aake usne jo apni celebration ki tab jaake ki pehle do wicketon pe nahi ki to i think he is learning with this passage of time i think he is still young still naive but i think overall dekha jaye to he is a match winner and he is a very very fine bowler. bilkul bilkul usman aap agar koi sawal puchna chahe mushi bhai se. mushi bhai assalam alaikum usman bol raha tha actually aap se ek sawal puchna tha andy flower ke bare mein aapne pehle bhi kaam kara hai i think andy flower ke sath england ke setup mein i think main actually ye janna chahta tha andy flower ki बड़ी निशानी होती है एज अ कोच कि उनकी टीम्स हमेशा यू नो बड़ी वेल प्लान वेल ड्रिल्ड किस्म की आउटफिट होती हैं सबको मालूम है अपना रोल किस तरह से अदा करना है. एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है इंग्लैंड के साथ ऑब्वियसली एंड्रू स्ट्राउस था वो लीडर मगर सबको अपना रोल एकदम मालूम होता है हर कंडीशन के लिए उनका एक प्लान होता है. ऑस्ट्रेलिया में फेमसली जो इंग्लैंड पिछली बार एशेज जीता था 2010 में बड़ी उन्होंने यू नो बॉलिंग प्लान से कराई थी तो थोड़ा सा उसके बारे अगर एंडी फ्लावर के बारे में बताएंगे किस तरह से उनकी उनका इम्पैक्ट किस तरह से हुआ है मुल्तान पे और मुल्तान जो प्लानिंग जिस प्लानिंग से इस सीजन आया है मुल्तान उस पे अगर थोड़ा सा बताइएगा. देखिए एंडी फ्लावर के साथ मेरा बहुत देर का लिंक है कि जो तीन एशेज हम लगातार जीते थे आई वाज लकी इनफ टू पार्ट ऑफ दैट कोचिंग स्टाफ. एंडी की सबसे अच्छी बात जो है वो मशवरे से चलते हैं और मशवरा सबसे लेते हैं वो एक बंदे को भी मशवरा लेने छोड़ते नहीं है और हर बंदे की ओपिनियन की कदर करते हैं. देखें डिसीजन मेकर जब हर बंदे से डिसीजन लेता है और ही इज अ गुड लिसनर ऑल्सो सेम टाइम तो आई थिंक जब वो सबसे मशवरा करके अपनी राय को कायम रखते हैं तो सब फिर उसके मशवरे को ऑन करते हैं क्योंकि जब आप किसी से मशवरा नहीं करते और आपने डिसीजन करते हैं अक्सर ऐसा होता है तो लोग फिर ना वो आपको मशवरा नहीं लेते आपका माइंड सेट और होता है. इसके बावजूद एंडी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर एंड ही इज अ वेरी गुड एक्चुअली टू इंट्रैक्टिंग विद द पीपल जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे स्किल है उनके तो उसी वजह से फिर वो आपको पता है कि लीडर जैसे आपने कहा स्ट्रॉस उनके साथ लीडर था अच्छा लीडर था ही वाज आल्सो वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. रिजवान भी उनको अच्छे तरीके से मिल गए रिजवान के भी ये क्वालिटी है रिजवान के अंदर भी तो आई थिंक उसकी सबसे बड़ी एंडी की सबसे बड़ी ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उसका आपने पूछा है
वो कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा, स्किल लेवल बहुत अच्छा है और उसको ट्रस्ट करते हैं अपने कोचिंग स्टाफ के ऊपर। तो आई थिंक ये ट्रस्ट का एलिमेंट जब होता है, जब लोगों को पता चलता है कि ही इज ट्रस्टिंग, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी ईमानदारी वाली ओपिनियन देते हैं। आपसे गलत बात जरूर हो सकती है, आपकी ओपिनियन गलत हो सकती है, मगर आप ना वो जानबूझ के कोई ऐसा मशवरा नहीं देते या आप गुस्से से कोई ऐसा मशवरा नहीं देते, ईगो को सामने रख के ऐसा मशवरा नहीं देते जिसकी वजह से टीम को नुकसान हो। तो आई थिंक जब आपको कोई आपका हेड इतनी रिस्पेक्ट देता है तो फिर आप दिल से उसके लिए काम करते हो, और जब कोई बंदा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी के लिए दिल में काम करता है, दिल से काम करता है, तो द एंड ऑफ द डे फिर अल्लाह की मदद उतरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है कि जो हमारे जो फ्रेंचाइज के ऑनर है ना आलमगीर साहब, इज सच ए लवली ह्यूमन बीइंग, वो डेटाबेस को बहुत ज्यादा वो लेके आए हैं। एक्चुअली हम, मुझे और एंडी को भी समझ नहीं आई शुरू में जब पहला साल उन्होंने सामने रखे ना, नंबर्स की गेम है, मैचअप की गेम है, यू नो आपने स्टैट्स निकलाने होते हैं ड्राफ्टिंग में, ये जो चीजें सामने वो लेके आए उनका और हैदर का बड़ा इसमें मदद, उनका पूरी एफर्ट है इसके अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो एंडी एक्चुअली वेंट विद देम, पहले उनको समझ नहीं, फिर हम दोनों ने डिस्कशन की, फिर उसके बाद जब एंडी ने कहा कि आई थिंक दिस मेक सेंस, तो हमने एक अंडर 19 लेवल के ऊपर जाके वो ट्राई भी की कि क्या ये हमें सूट करेगा कि नहीं करेगा, और हमने वो टूर्नामेंट से पहले ट्राई किया तो वो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो आई थिंक ये सब जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना किसी भी टीम की सक्सेस के पीछे, जोड़ इकट्ठे होके खेलना, एक मकसद के लिए खेलना और एक बंदे की बात को सामने रख के उसके फैसले को ऑन करना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुशी भाई, ये सस्पेंस तो जरा इधर उधर करें, ये है क्या नंबर की गेम? मतलब 8 और 4 रखा हुआ है क्या? मतलब थोड़ा सा तो कुछ हमें भी पता चले ना। ये नंबर से, वो तो बॉलर्स के नंबर होते हैं, कौन से बॉलर का नंबर है उसको, उस एंड को ये हम मशवरा दे सकते हैं, डिसीजन फिर भी रिजवान का ही होता है, यू नो बाहर से हम सारे मिलके मशवरा करते हैं कि जी आप, मेरा ख्याल इमरान ताहिर को ले आए, इमरान ताहिर का नंबर फॉर एग्जाम्पल 8 है तो हम 8 लगा देते हैं, तो फिर रिजवान सिचुएशन को देखता है, कंडीशन को देखता है, क्योंकि मैचअप का मतलब ही पता है कि अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आया तो उसके सामने ऑफ स्पिनर के ज्यादा कामयाबी के चांसेस है, तो हम वो ऑफ स्पिनर का नंबर लगा देंगे, टिम डेविड का नंबर लगा देंगे। जैसे आपको पता होगा कि पिछले मैच में जब आखिरी मैच हम पूल मैच खेले थे तो टिम डेविड ने एक ओवर करने के लिए आ गए थे क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त। तो आई थिंक वो मैचअप जो होता है ना नंबर, वो इसलिए हम करते हैं कि डेटा निकालते हैं कि जी ये लेग स्पिनर के खिलाफ इस बंदे की एवरेज कितनी थी, इसका स्ट्राइक रेट कितना था, तो ये जब सारी चीजें आप सामने रख के फैसला करते हैं तो आपके जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो आदमी वो वीक होता है उस चीज के ऊपर। तो आई थिंक ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आई थिंक वी शुड यूज इट, और मैं खुद भी बड़ा इस पे, मुझे लगा है कि बड़ा अच्छा है ये, हमारी कोचिंग अपने नॉलेज को भी इजाफा करता है इसमें। तो आई थिंक इसका ओवरऑल फिर भी इसका डिसीजन तो रिजवान ही लेता है ग्राउंड के अंदर। उस्मान, आप कुछ पूछ रहे थे, मैं खास सवाल मैं एक्चुअली यही कोर्ट्स पे पूछ रहा था, मगर मेरा एक फॉलो अप सवाल था कि मुशफाई इस साल खुशदिल शाह की बॉलिंग में बहुत एक मैसिव इंप्रूवमेंट आई है, आपने उसके साथ काम करा है खुद इस साल, इसलिए यू नो उनका रोल इस साल बहुत अहम रोल रहा है, बिकॉज स्पिनर एक उस्मान कादिर चले गए थे, सिर्फ इमरान ताहिर के ऊपर एक थोड़ा सा बर्डन आ गया था कि वो एक सोल स्पिनर होंगे, मगर खुशदिल शाह ने जिस तरह की बॉलिंग कराई है, ही इज रियली फिल्ड अ होल इन दैट बॉलिंग अटैक दिस ईयर। आई थिंक क्रेडिट गोज टू खुशदिल, उसने बड़ी मेहनत की है, उसने डेडिकेशन के साथ नेट में जाके बॉलिंग लंबी बॉलिंग करता है, वो बैटिंग से पहले जाके घंटा बॉलिंग करता है, सारे बैट्समैनों को करता है, और फिर सबसे बड़ी बात है उसको खुद अवेयरनेस है, एज ए बैट्समैन उसको पता है कि इस वक्त बैट्समैन क्या सोच रहा है कि मुझे निकल के मारेगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक वो डील करता है। तो मेरा उसका बस मुझे एक छोटी सी चीज को मैंने रिमाइंड करवाई थी, तो मैंने कहा देखो खुशदिल, अगर कभी रन्स नहीं होते तो अगर आप 4 ओवर करने वाले या 5-7 ओवर करने वाले बॉलर बन जाओगे और अगर इसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो तो आई थिंक इसमें आपकी सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी, टीम के कम्बिनेशन में आसानी हो जाएगी, तो लोग आपको इवन 4-5 मैच आपकी बैटिंग में बुरे भी जाते हैं तो आपको लोग निकालने के का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको वो बॉलिंग के सामने रख लेंगे यार। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास शाहिद अफरीदी थे, हमारे पास हफीज है, अभी शुएब मलिक हैं, ऐसे बॉलर जो बैटिंग ऐसे बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो खुशदिल को ये बात समझ में आई, तो आई थिंक उसके ऊपर आपने देखा उसकी बैटिंग में बड़ा एकदम वो चेंज आई है। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि अगर मैं बैटिंग में नहीं करूंगा तो बॉलिंग तो अब मैं कर ही लूंगा, तो आई थिंक उसके साथ उसका एकदम माइंड सेट चेंज हो गया, उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका ही उसका डिफरेंट हो गया इस PSL में। आप देखें 3 मैच उसने जाके खुद बैटिंग में जाके अकेले जिता दिए जाके, हालांकि वो बड़े बड़े मुश्किल मैच थे। तो आई थिंक वो खुशदिल को क्रेडिट जाता है, उसने मेहनत की थोड़ी बहुत, हम जो एक एज ए स्पिन बॉलिंग कोच होने के नाते उसको टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो बंदा शेयर करता रहता है, बट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है जो हंग्री होते हैं, जो दे आर हंग्री टू लर्न,
एंड आई थिंक पुशदिल इज वन ऑफ देम। वैसे एक प्लेयर जिसने वाकई मैं तो कहूंगा मुल्तान सुल्तान ने उसको उसका करियर लॉन्च कर दिया है, वो है टिम डेविड। और मुशी भाई कल के मैच में वो बहरहाल नहीं खेले थे, कोविड का है, और ऐसा लग रहा है कि जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं टिम डेविड आपको फाइनल में अवेलेबल होंगे बिकॉज कुछ शायद डिस्कशन चल रहा है बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड पीसीबी। बट इनके फैक्टर के बारे में बताएं, बिकॉज एक तो उनकी बैटिंग का स्टाइल और दूसरा आईपीएल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिल गया बिकॉज बी एस बीन अराउंड। सो सरप्राइज हुए या पहले से अंदाजा था कि ही इज अ वेरी डेविस्टेटिंग बैट्समैन, नाउ इज अ वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन। देखिए उसका बिग बैश में भी उसने 100 कर चुका था, आखिरी अबूधाबी जो लीग आखिरी मैचेस हुए थे लाहौर से वो खेला था तो उसमें भी उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। हमें उसकी एबिलिटी पे पावर हीटिंग पे तो कोई डाउट नहीं था, तो आई थिंक जब उसको सिलेक्ट किया गया वाइल्ड कार्ड से उठाया गया तो एक बड़ी एक लोगों के लिए थे कि ये इसको किस तरह उठा लिया मुल्तान सुल्तान ने, बल्कि पूरी मैनेजमेंट बड़ी क्लियर थी इस मौजू के ऊपर कि यार ही इज द गाय वो लुकिंग फॉर नंबर 6 नंबर 5 के ऊपर। तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमें वी वर लक वेरी लकी एज ए मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि हम लकी इसलिए क्योंकि ही इज अ वेरी हम्बल गाय, मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया अभी श्रीलंका के खिलाफ उसको ऑफर आई थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि आप श्रीलंका के खिलाफ ये 3 T20 मैच खेलें, हम आपको कंसिडर करना चाहते हैं, उसको सिलेक्टर से बात हुई, उसने कहा नो लेट मी इम्प्रूव माई क्रिकेट, I go to PSL, I want to learn my cricket over there, I will learn to how to play spin and I want to improve my bowling also. So I think wo is yahan pe aaya aur itna humble ladka hai, itna matlab Australian normally wo they are very blunt and very straightforward. He is spending sara time hamare ladkon ke sath guzarta hai, halanki usko koi hamari urdu ki samajh nahi aati, but he spent 2 hours, 3 hours इन टीम रूम जहाँ पे लड़के हमारे पाकिस्तानी लड़के खाना बैठ के खा रहे होते हैं और रिजवान सबको इकट्ठा कर लेता है सबको मैच के बाद, और वहाँ पे वो हमारी मैनेजमेंट उनको खाने का वो ऑर्गेनाइज कर देती है, और वहाँ पे बैठ के वो सबसे पहला आदमी होता है वहाँ पहुँचता है और सबसे आखिरी आदमी होता है वहाँ से निकलता है। सो ही इंट्रैक्टिंग पीपल, ही इज लर्न, मुझसे आके 2-2 घंटे बात करता रहता है बॉलिंग के बारे में, हाँ वो पूछता रहता है कि स्पिन को खेलने का तरीका यहाँ पे बताओ क्या है, क्या फुटवर्क होना चाहिए। सो ही इज अ वेरी हम्बल एंड सेम टाइम जब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसके बावजूद भी उसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं, आई थिंक जिस तरह का उसका माइंड सेट है आई थिंक ही इज गोना गो लॉन्ग वे। बिल्कुल, जो प्लेयर अपने आप खुद ज़्यादा बेहतरी करना चाहे वो ज़्यादा मिंगल इन करे वो आपको प्रोग्रेस करता हुआ बिल्कुल दिखता है। बट जाते जाते एक और सवाल मुशी भाई आपसे, आमिर अजमत की बात करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जिस तरह कल की कंडीशंस थी उसमें जिस तरह ये लड़का खेला है इट वॉज़ वेरी इंप्रेसिव, उन मुश्किल कंडीशंस में खेलना और उसमें जो है डिलीवर करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मुल्तान सुल्तान के लिए एक और इम्पॉर्टेंट लड़का शामिल हो गया। आमिर अजमत का बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बच्चा है वो, बड़ा अच्छा उसका टेम्परामेंट है। देखें सवेरा और आप जितने भी साथी मेरे सुन रहे हैं बात, हमेशा आपको एक चीज़ जेन में रखनी चाहिए कि किसी भी फील्ड में जब आपने किसी की सिलेक्शन करनी होती है तो उसका टेम्परामेंट आप नेट प्रैक्टिस से शुरू कर देते हैं, उसका उठना बोलना चलना आपको तकरीबन 70% उसका बता देता है कि ये बंदे में कितना तप्पड़ है और ये कितना इसका टेम्परामेंट है, प्रेशर सिचुएशन में जाके ये किस तरह प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो आई थिंक नॉर्दर्न साइड के जो लोग हैं जैसे हम पठान जी ने कहते हैं इनके अंदर अल्लाह ने एक खूबी रखी हुई है कि ये डरते नहीं किसी चीज़ से और ये बड़े सीधी सीधी बात करते हैं और सीधी सीधी प्रैक्टिस करते हैं। तो आमिर अजमत को इसका क्रेडिट जाता है, पहले मैच में इसने एक चौका मारा निकल के पहली बॉल के ऊपर लेफ्ट आर्म स्पिनर को और दूसरे बॉल पर कट मारा वो चौका हुआ नहीं फील्डिंग हो गई, तीसरे बॉल पर यह बोल्ड हो गया। एंडी और मैंने हमने आपस में नजरें मिलाई और हमने देखा, हमने कहा दैट्स इट, this guy got a great temperament because he is not worried about for the failure, to failure se wo ghabra nahi raha. To agle match mein dekha Shaheen Shah ko jab dekha kis tarah khela, jab us Shaheen ne usko round the wicket aake bouncer mara aur bouncer usko laga bhi glovezon ke upar aur dusra ball tha na, maine aur Andy ne discuss kar rahe the, hum baithe dug mein, maine kaha Andy now this next ball will dictate ke iska agla ye kitna ke bada player ban sakta hai. To jab agla ball Shaheen ne usko aage kiya aur wo agli ball ko aage khela uska wahi jis tarah kehte na merit of the ball khela, wo जैसे वो मैन ऑफ द बॉल खेला तो हम दोनों ने कहा यस दिस गाय कैन बैट, और फिर उसने काफी प्रेशर ऑफ भी किया रिजवान के ऊपर अपनी पावर हीटिंग की वजह से, अपना अग्रेसिव खेलने की वजह से। तो आई थिंक दिस किड हैव अ ग्रेट फ्यूचर इंशाल्लाह ताला, टेक्निकल टैक्टिकल चीजें वो सीखता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट स्टिल कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, हमें जितने भी पीएसएल में हमें यंगस्टर्स मिलते हैं जैसे हारिस है, ये आमिर अजमत है, जमान है,
इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका एक साल दो साल जरूर देना चाहिए बिफोर वी सिलेक्ट दोज गाइज, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट आपकी बेसिक्स को तगड़ा करती है, आपकी आपकी टेक्निक को तगड़ा करती है। जब आप चार दिन की क्रिकेट खेल के दो साल साल में लगा के वापस आते हो तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। बिल्कुल, तो यानी टोटल प्रॉपर जो है वो आप डोमेस्टिक की ग्राइंडिंग की बात करेंगे, बिल्कुल होनी चाहिए, कम से कम दो सीजन जो है यंगस्टर्स को खिलाने चाहिए कि ये सारी एथिक्स अच्छी तरह समझ सकें, ये अच्छी तरह खेल के गुजर सकें, इनका टेम्परमेंट बन सके। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब के आपने यहाँ टाइम दिया हमें, गेम सेट मैच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन विद मुश्ताक अहमद, और बहुत ही डिटेल जिस तरह हमें जवाब मिले हैं, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस तरह बातचीत हुई है, दिस शोज द क्लैरिटी ऑफ मुल्तान सुल्तान, एंड दैट इज वाई मुल्तान सुल्तान का हर प्लेयर वो क्लैरिटी रिफ्लेक्ट करता है, जो क्लैरिटी हमें आज बात करके मुश्ताक अहमद के साथ मिली है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो आज जो एलिमिनेटर खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज पेशावर जलमी, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच, और ये इसी तरह होता है जब एलिमिनेटर्स चल रहे हैं और ये चल रहे हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम ऑन एयर आ गए और मतलब हमें जो है वो क्या हो गया भाई, सब जो है ना वो इस वक्त वो कहते हैं उस क्या कहेंगे उसमें है, जो हम इंटरव्यू भी करे थे ना मुश्ताक अहमद साहब को, उसी जोन में है, उसी खुमार में है जिस तरह हमारी डिस्कशन हुई, बहुत मजे की। खैर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, सो उस्मान, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी, इस्लामाबाद यूनाइटेड एलेक्स हेल्स वापस आ चुके हैं, बड़ी अमेंडमेंट हुई हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, जितनी सारी सख्तियां थी कोविड की वो कम हो रही, बट हमने काफ़ी डिटेल में बात की उस हवाले से। एलेक्स हेल्स की वापसी के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और शादाब की वापसी के बाद आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग लग रही है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आई थिंक उनके, यू नो, जो सब प्लेयर्स उनके मिसिंग है, आप कॉलिन मनरो का कह सकते हैं बड़ा इम्पैक्ट होता है, पॉल स्टर्लिंग ऑब्वियसली आयरलैंड के लिए खेलने चले गए तो उनका भी बड़ा लॉस था, मगर आप अगर दो प्लेयर्स उस पूरी टीम से पिक करें जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस मैच पे, वो एलेक्स हेल और शादाब। शादाब का जिस तरह का फॉर्म रहा है बैट और बॉल के साथ, और एलेक्स हेल का जो इम्पैक्ट है द टॉप ऑफ द ऑर्डर, आई थिंक ये ऐसा सीजन गुजरा है पीएसएल का जिसमें ओपनर्स की बड़ी ईद हुई है, यू नो, आप फखर जमान, शान मसूर, रिजवान हिमसेल्फ, जेसन रॉय, उनमें से एलेक्स हेल्स भी एक है, आई थिंक हैज हैड अ बिग बिग इंपैक्ट सीजन, तो उनकी उनकी वापसी, शादाब की वापसी, आई थिंक वो इस्लामाबाद का एक पूरा नक्शा बदल दिया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का, सिर्फ उन दोनों प्लेयर्स से। एब्सोल्युटली, अगर हम शादाब के नंबर्स पे भी नजर डालते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों, तो आपको नजर आएगा जैसे कि उस्मान बात कर रहे थे, हाउ मच कंट्रीब्यूशन ही हैज मेड टू द कॉज ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के, यानी वो ऐसा मोमेंटम दे के चले गए थे कि फिर भी उनकी टीम सर्वाइव कर गई। जी अगर हम बैटिंग पे नजर डालते हैं तो सात मैचेस में 232 रन्स हैं, 91 इनका बेस्ट एट, स्ट्राइक रेट ऑफ 166 ऑलमोस्ट, और एवरेज तकरीबन 39 की इनकी। और अगर हम शादाब की बॉलिंग पे भी नजर डालते हैं तो अपने सात मैचेस में शादाब 17 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, द बेस्ट ऑफ 528, और एट अमेजिंग इकॉनमी, यानी कि 6 रन की इकॉनमी के साथ जो है वो इन्होंने बॉलिंग की है। उस्मान, कल के मैच में जो विकेट हमने देखी गद्दाफी स्टेडियम में, वो कल कुछ मुख्तलिफ सी विकेट नजर आई, आई मीन वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ रन्स आर बीइंग स्कोर्ड, लेकिन मैं मुशी भाई से बात नहीं हो पाई, लेकिन 163 बनाने के बाद और जिस तरह की बैटिंग कल रिजवान कर रहे थे, राइली रूसो एक डिफरेंट टाइप ऑफ इनिंग्स खेल रहे थे, सिर्फ 2 विकेटें उन्होंने जो है वो अपनी लूज की थी, तो कल की विकेट कुछ मुख्तलिफ नजर आई आपको कदाफी स्टेडियम की फ्रॉम द अदर मैचेस, या खराब बैटिंग ही हो रही थी कल? आई थिंक विकेट थोड़ी सी स्लो थी, मगर उसमें थोड़ा सा आप इंटेंट भी क्वेश्चन कर सकते हैं बैटर्स का, आई थिंक यू नो रिजवान, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम, मेरा ख्याल से कुछ एक्टिविटी का इशू, बट वाकई कल अगर आप विकेट की जिस तरह बात कर रहे हैं अदील, ऐसा लग रहा था डबल पेस्ट विकेट है, बिकॉज रिजवान एक डिफरेंट तरीके से खेल रहे थे, आमिर अजमत की हमने बात की वो एक डिफरेंट तरीके से खेल रहे थे, रोसू एक डिफरेंट तरीके से, तो जिस तरह सबकी परफॉर्मेंसेस दिख रही थी उस वक्त ऐसा लग रहा था जब तक मुल्तान सुल्तान की इनिंग खत्म हुई
लग ऐसा रहा था कि शायद रिजवान आज काफ़ी स्लो खेले हैं और मुश्किल में पड़ सकता है मुल्तान सुल्तान, बट काया पलट गई। बिल्कुल ऐसी है। और अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं, अच्छा उस्मान इज़ विद अस, सो उस्मान हम बात कर रहे थे कल की विकेट के हवाले से कुछ मुख्तलिफ होने के, वहाँ पर बात कट गई थी। मुझे थोड़ी स्लो लगी विकेट, वैसे कल थोड़ी स्लो लगी मुझे, एक आई थिंक थोड़ा सा लगा कि जो 10वें ओवर के बाद रिजवान की स्ट्राइक रेट थोड़ी सी गिरी थी, इंटेंट थोड़ी सी मुझे कम लगी, मगर यू नो हम लोग बाहर से बैठ के ये बहुत इजी होता है कहना, आप ऑब्वियसली आप एक रिजवान खुद कहते हैं कि उनकी फेवरेट इनिंग्स पिछले साल से सेमीफाइनल इनिंग्स थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड टी20, जो कि आप अगर बाहर से देखें काफी मुश्किल इनिंग्स थी, कुछ डिफिकल्ट इनिंग्स, स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा, कल भी मुझे लगा कि थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यू नो ही हैज द टीम अराउंड हिम टू मेक अप फॉर दैट। प्रॉब्लम आती है जब आपके आपके इर्द गिर्द प्लेयर्स वैसे होते नहीं है हु कैन मेक अप फॉर द वे यू आर प्लेइंग, जैसे कि आपकी फेवरेट टीम अदील माशाल्लाह अदील कराची किंग्स, वहां पे बाबर अगर इस तरह की इनिंग्स खेले तो बिकॉज द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कांट कैच अप तो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा कराची किंग्स थी इस पीएसएल में खेल रही थी, दे वर देयर, मैं भूल गया एक्चुअली, आई एम सॉरी, शायद दो तीन मैचेस खेले हों, कुछ ही टीम आओ वैसे। अच्छा कल हम वैसे प्रीमा शो में बात कर रहे थे उस्मान फखर के हवाले से, और हमने कल एक बार फिर से आई थिंक ये बात बड़ी क्लियर हो गई, फखर टिल द टाइम ही वाज अराउंड लाहौर वाज इन द गेम, दे वर इन द गेम, और उसको इमरान ताहिर न्यू इट कि फखर को आउट करेंगे तो सुख की सांस लेंगे, वरना उससे पहले सुख की सांस, इमरान ताहिर को एक ओवर में 3 छक्के मार देना, और वो भी जैसे कहते हैं कि जमा के हिट्स मारी थी वहां पे, बहुत डिपेंडेंट हो गई। आई थिंक लाहौर कलंदर्स के लिए जो हमें ब्रेक मेरे ख्याल से यहाँ पे लेना है, डिस्कशन को हम यहाँ से करेंगे, फखर के रोल, फखर की कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टीम, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम्स एंड मैच। And welcome back to Game Set Match in conversation with Usman Samiuddin, और discussion हो रही थी फखर के हवाले से बात हो रही थी उस्मान, और वो ये just to continue from where we left before the break, फखर की importance का एक बार फिर से उस पर मुहर सख्त हो गई। आई थिंक लाहौर कलंदर के लिए अगले PSL के लिए बड़ा असाइनमेंट होगा, दे नीड बैकअप बैट्समैन, ऐसे प्लेयर जो कि इनिंग को आगे लेकर जा सकें, बिकॉज yesterday he failed till the time he was on the crease, लाहौर was in the hunt, उसके बाद it was almost game over. मैं ये कहूंगा कि नॉट जस्ट इन द हंट अदील, पर अगर वो मैच जीत रहे थे, यू नो फखर अगर 2-3 और ओवर खेल लेता तो लाहौर वुड हैव वन दैट गेम, एंड इट वुड हैव बीन प्योरली डाउन टू फखर। कल हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि इतनी रिलायंस हो गई है, और कल उसका एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन आया जिस तरह से जैसे ही फखर आउट हुए, एंड बाय द वे यू नो उसका वो जो आउट हुए हैं उस पर भी क्रेडिट देना चाहिए डेविड विली की जो इस साल बॉलिंग रही है, ही इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर मुल्तान। यू नो हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था सीजन से पहले कि शायद मुल्तान का ट्रैक थोड़ा सा वीक हो, मगर यू नो डेविड विली दहानी इज बैक इन फॉर्म, इन सब ने काफी चेंज लाया, मगर फखर की विकेट या अगेन हाइलाइटेड, यू नो जैसे वो आउट हुए उसके बाद से धड़ाधड़ यू नो विकेट गिरी हैं, और यू नो हम पूरे सीजन कह रहे हैं कि दे नीड अदर बैटर्स, आई थिंक थोड़ा सा चेंज लाने हैं उनका बॉलिंग अटैक, आई थिंक दे हैव फाउंड द एग्जैक्टली द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक दे नीड इस फॉर्मेट में, इस सीजन में, इस यू नो इस टूर्नामेंट में, they have the perfect bowling attack, मगर batting में literally आप फखर का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद कामरान गुलाम has had a couple of performances, मोहम्मद हफीज disappointing रहे हैं, David Misa maybe hasn't had the impact that he usually has, तो उनके काफी I think you know काफी urgency, they need to find some batting to help फखर। बिल्कुल, क्योंकि एलिमिनेटर टू जब वो खेलेंगे इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, अगर तो वो जब एलिमिनेटर खेलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं चाहिए कोई और, बिकॉज ऐसा लगता है कि फखर को आउट कर दें और लाहौर को काबू कर लें। बट जब हम कल की मैच की बात कर ही रहे हैं उस्मान, जिस तरह पूरे PSL में हम मुसलसल रिजवान की तारीफ करते हैं, रिजवान इस वक्त अपनी कैप्टनसी की पीक पे हैं, वो इस तरह कैप्टनसी कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे वो विकेट के पीछे खड़े हैं, उनके सामने एक चेस बोर्ड है और वो जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट इधर से उधर करते हैं, इट इज़ ब्रिलियंट। बिल्कुल, आई थिंक जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है स्पेशली इस फॉर्मेट की, आई थिंक यू नो मुशी भाई पहले बात कर रहे थे, उनका एक तो जो बैकरूम सेटअप है बहुत अच्छा है, उनके पास ऐसे लोग हैं जो बात सुनते हैं, यू नो एडवाइस देते भी हैं, मगर जहाँ जहाँ देना जरूरी है, वरना ऐसे वो
विनमल एडवाइस नहीं देते हैं. तो आई थिंक विद दैट कॉम्प्लीमेंटिंग यू नो एंडी फ्लावर हुआ, मुशी भाई खुद हुए, रिजवान की जो अंडरस्टैंडिंग है इस फॉर्मेट की, जैसे कल यू नो आसिफ आफीदी से ओपन करवाना बोलिंग, शहनवाज जहानी का रोल उन्होंने चेंज करा है सीजन, यू नो ट्राइंग टू गेट हिम टू बॉल एट द डेथ ओवर्स मोर, जिस तरह से वो प्लेयर्स को अपने यू नो कंट्रोल भी करते हैं. आपने देखा होगा आई एम श्योर ऑन द ब्रॉडकास्ट यस्टरडे, कल एक वक्त पे बॉल दहानी के पास गई बाउंड्री पे, डीप पॉइंट पे खड़े हुए थे, उन्होंने थोड़ी सी देर लगाई स्कोर करने में वापस. रिजवान शुरू में लगा कि थोड़ा सा अपसेट हुए थे, पहली बार देखा कि यार रिजवान थोड़ा गुस्सा रहा है, इसलिए वो चाह रहे थे कि बॉल जल्दी आए उनके पास, लेकिन कैमरा उनके ऊपर लगा रहा और खुद ही रिजवान ने विद इन लाइक आई वुड से 10 सेकंड्स रियलाइज करा कि यार देखो प्लेयर्स को हमेशा अप रखना है. तो फौरन वो मुड़ के दहानी के साथ मुस्कराए, उससे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं. तो यू नो जो उनकी मैन मैनेजमेंट है इट्स एब्सोल्युटली इंपेक्टेबल, जिस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं उस टीम को, जिस तरह से खुश रख रहे हैं हर प्लेयर को. और फिर देन ऑन द फील्ड I would go as far as to say that actually, you know, in Pakistan, probably will be best captain in T20 format. Absolutely. So, Islamabad United versus Peshawar Zalmi. Zalmi ki hum zara tafseel se baat nahi kar paaye because we're running out of time. Usman, kya lagta hai? Islamabad United ya Peshawar Zalmi? Single header because we are short on time. Jaldi se ek naam. Single header, I would say with Hales and Shadab back, ye Islamabad ki game. Adil. Peshawar Zalmi. ओके जी, यहाँ पे दो अलग अलग इस दफा वर्डिक्ट आ गए, बट थैंक यू उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. उस्मान और अदील फॉर वंस एक पेज पे नहीं है. सो लेट्स सी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान नहीं है बट पेशावर जलमी, बिकॉज मुल्तान सुल्तान इज द फाइनलिस्ट. एंड यहाँ गेम सेट मैच का वक्त खत्म हुआ. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.